दफा फिर रुख सियासी मैदान का, तो सिंध के वजीर अतला शर्जील इनाम मेमन ने इमरान खान की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर लगाए गए इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। बोल से खसूसी बातचीत में कहा कि इमरान खान ने संगीन इल्जाम लगाए, मामले को अदालत में भी लेकर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान वो शख्स है जिसकी शुरुआत झूठ से होती है, जिसकी इब्तदा झूठ से होती है। इसका काम सिर्फ रोज एक नई बात करना ताकि मीडिया की अटेंशन सीख कर सके। मीडिया में अटेंशन सीख करने के लिए कभी बोलता है कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, फिर कभी बोलता है मेरी हुकूमत भाजपा साहब ने गिराई, फिर कभी कहता है कि जी मेरी हुकूमत जो है वो पीडीएम ने गिराई, फिर कभी बोलता है मेरी हुकूमत मौसम नकवी ने गिराई। तो रोज कोई ना कोई नया नाम लेता है ये शख्स, और इसका काम ही सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। उसके पास प्रोपेगेंडा की मशीन है। ये संगीन इल्जाम लगाया इसने और उसने एक गिरी हुई हरकत की है। मैं समझ रहा हूँ छोटे जहन का शख्स तक हरकत करता है, और उसमें बिल्कुल हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और उसको कोर्ट में लेकर जाएंगे कि ये जिस तरह की गलत बातें कर रहा है, इसके ताल्लुकात जो है वो हमेशा दहशतगर्द तंजीमों से उसके खुद के रहे हैं, और माजी में भी इसने हमेशा जो है वो दहशतगर्दों की हिमायत की है। तो उसके खुद के ताल्लुकात दहशतगर्दों से, इसकी अपनी हॉस्पिटल में दहशतगर्दों के इलाज होते रहे जिसका ये खुद जो है वो एतराफ भी कर चुका है। 2022 स्पॉटलाइट ट्रॉफी भी देखेंगे पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।